जाचै बूंद ज्यों हर प्राण अधारा राम राजे माल खजीना सुत प्रात मीत सब हूं ते प्यारा राम राजे सब हूं ते प्यारा पुरख निरारा ताकि गत नहीं जानिए हर सास गिरास न बिसरे कबू गुर शब्दी रंग माणिए प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीवनो जप परम मोद खुडारा चात्रिक जाचै बूंद ज्यों नानक हर प्यारा मिले नारायण अपने मनोरथो पूरा राम राजे टाठी पीत परम की पेटत गुरसूरा राम राजे पूर्ण गुर पाए पूर्व लिखाए सब निद दीन दयाला आद मद अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे पतित पावन साधु तुहरा हर मिले नारायण नानका मनोरथो पूरा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। तन तन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज दे मुखारबिंद तो उच्चारण कीते हुए ए छंद जिसते दो पदां दी विचार असी पहले कर चुके हैं हुण तीजे पद विच गुरु अर्जुन देव पातशाह फरमांदे ने जिन्हां ते वाहिगुरु की कृपा हो जाती है तथा उस वाहिगुरु की कृपा द्वारा चात्रिक जाचै बूंद ज्यों हुण पहला मछली की मिसाल दिती हुण चात्रिक की मिसाल दे रहे इस चात्रिक नूं पपिया भी कहा जाता है बंबिया भी कहा जाता इसका जिक्र क्यों है क्योंकि जदों धरती दे उत्ते बेअंत पानी हुंदा है मूसलाधार मीह भी पैंदा है पर इसनू स्वांती बूंद दी इच्छा हुंदी एक खास नक्षत्र विच कहिंदे ने बूंद वरसदी है ते चात्रिक दे मूंह विच पैंदी भावें धरती उत्ते कितना पानी होवे उहदी फर्श ते पानी नाल प्यास नहीं बुझदी तसली नहीं हुंदी उहनूं अरशी पानी दी ओह बूंद मिले फिर उस नूं टिकाओ आउंदा है। इसे तरह गुरु पातशाह कहिंदे ने जिन्हां नूं परमात्मा दे नाम नाल प्यार लग जांदा है चात्रिक जाचै बूंद ज्यों जिमें चात्रिक बूंद की इच्छा करता तो जदों तीकर उसके मूँह विचों बूंद नहीं पैंदी ओ मीओ मीओ पीओ पीओ करता कहिंदे इस तरह जिन्हां नूं परमात्मा दे नाम की प्रीत लग जाए हर प्राण अधारा राम राजे हे राम राजे उन्हां लई तुहाडा नाम जिहड़ा है हरी दा नाम जो है वह प्राण आधारा उन्हां दे प्राणा दा आसरा है। देखो प्राण हन ते जीवन है
ते जे प्राणा दा आधार ना होवे ते जीवन किवें रहेगा। ये समझाउण दा तरीका है कि उन्हां नूं परमात्मा दे नाम नाल इन्नी प्रीत लग जांदी कि उन्हां नूं संसारी पदार्थ जिहड़े ने ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਚੈ ਬੂੰਦ ਜਿਉਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ੀਨਾ ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਦੌਲਤ ਖਜ਼ੀਨਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਹ ਮੀਤ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਵ ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਯਰ ਭਾਈ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ ਅੰਤੈ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਕਨਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ ਮਨ ਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਹਾ ਹਾ ਕਰਤ ਬਿਆਨੀ ਅਵਦੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹਸਤ ਰੱਥ ਅਸਵ ਪਵਨ ਤੇਜ ਧਣੀ ਭੂਮਨ ਚਤੁਰੰਗਾ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਿਓ ਇਨ ਮੈਂ ਕਛੂਵੈ ਊਠ ਸਿਧਾਇਓ ਨੰਗਾ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਤਾਂ ਕੈ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈਐ ਨਾਨਕ ਇਆਂ ਸੁਖ ਆਗੈ ਮੁਖ ਊਜਲ ਸੰਗ ਸੰਤਨ ਕਹਿ ਪਾਈਏ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਜਾਚੈ ਬੂੰਦ ਜਿਉਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣ ਅਧਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਲ ਖਜ਼ੀਨਾ ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੁਰਖ ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਖ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਨੀ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਸਾਸ ਗਿਲਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਕਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗਰਾਸ ਲੈਂਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਸ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਗਰਾਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੰਗ ਮਾਣੀ ਹੈ ਲਓ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਉਸ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗੜੂੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਪੀਆ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਸ ਗਿਲਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਕਬੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਜਗ ਜੀਵਨੋ ਸੰਤ ਰਸ ਪੀਵਨੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭੂ
वो जो सारे जगत नू जीवन दान देने वाला प्रभु संत रस पीवन, जेड़े उसते प्यारे संत ने ओदे नाम रस नू पींदे हैं। जप परम मोह दुख डारा, उस परमात्मा दे नाम नू जप के जपन करके उना दे अंदरों ए परम ए मोह अते दुख डारा तो पावे दूर हो जाते, सुट देते, ला देते, ए उना दा खेड़ा छट जाते। प्रभु दे सिमरन दी ए बरकत है। इसलिए महाराज कहने पाई उस परमात्मा दा नाम हर वेले सिमरो, हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो, नाम गोबिंद का सदा लीजै, मिठे कमाने पाप चिराने, साध संगत मिल मोवा जीजै। आख्या जे हलत भी सुख लेना, जे पलत भी सुख लेना, जे नित सुखी रहना है ते गोबिंद दा नाम जपो। तो जेड़े वाहगुरु दे प्यारे ने प्रभ पुरख जग जीवनो संत रस पीमनो, जप परम मो दुख डारा, चात्रिक जाचे बूंद ज्यो, नानक हर प्यारा। नानक जी फरमांदे ने जिस तरह पपीए नू बूंद नाल प्यार है, उनू स्वांति बूंद तो बिना शांति नहीं आती, इसे तरह वो वाहिगुरु मैनू भी बहुत प्यारा है। तथा जेड़े परमात्मा दे नाम रस विच पिज जांदे ने, उन्हां दा नाम नाल इतना प्यार है। हुण चौथे पद विच निचोड़ करदे, पहले तिन्ने पदां विच परमात्मा दे नाम दी महिमा, उसदे चरणां नाल प्यार ते करन वालियां दी अवस्था दा जिक्र कीता। हुण चौथे पद विच पातशाह कहिंदे ने जेड़े इतनी प्यार खिच करते ने उन्हां नूं परमात्मा दा मलाप हो जांदा। मिले नारायण अपने मनोरथो पूरा राम राजे। नारायण भी एक परमेश्वर दा नाम है, इहदे वख वख अर्थ विद्वानां ने कीते ने। नर आयन जो सारे नरां दा श्रोमणी, सारे नरां विच वर्तन वाला, कई अर्थ। गल की ये परमात्मा दा एक सिफाती नाम है। तो मिले नारायण अपने मनोरथो पूरा राम राजे, तो जिन्हां नूं नारायण दा मिलाप हो गया, नारायण अपने अंदर वसदा नज़र आ गया, नारायण सारे जीआं विच वसदा नज़र आ गया, मनोरथो पूरा राम राजे, उन्हां दे सब मनोरथ पूरे। तथा जिस मनोरथ लई ये मनुखा जीवन मिलिया सी, उन्हां दी जिंदगी दा निशाना पूरा हो जा। टाठी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे। साडे अंदर एक पीत, पीत कहिंदे ने कंध नूं, गुरु नानक पातशाह ने इहनूं पाल भी कहा। किव सचियारा होई है किव कूड़ै टुटै पाल, इहनूं पीत भी कहा, कंध भी कहा। जिहड़े फिर पूरे गुरु की संगत विच आ जांदे, पूरे गुरु की सिख्या ते अमल करदे, टाठी पीत परम की पेटत गुर सूरा राम राजे, उन्हां दे अंदरों भरम की कंध टह जांदी। सतसंगत गुरबाणी बार बार कहती, ये सारे दिन ये सारियां घड़ियां मुहूर्त पल परमात्मा दे बनाए हुए, इन्हां विच कोई घड़ी भी माड़ी नहीं, कोई पल भी माड़ा नहीं, पर नहीं सानू परम चंबड़िया होया। इसे भी सानू बार बार कहा जांदा, कीता लोड़ी है कम सो हर पै आखीए, कारज दे सवार
सतगुरु सत साखी। तो जिहड़े गुरु की संगत विच मिल के गुरु की बाणी की विचार करके तुरदे ने उन्हां दे अंदरों परमां दी कंध टह जांदी। पूरन गुर पाए पुरब लिखाए सब निद दीन दयाला। जिन्हां ने पूरे गुरु नूं पा लिया भाव सच्चे गुरु की सिख्या नूं मन लिया, गुरु साढ़े कोल है, गुरु साढ़े तो किधरे दूर नहीं। पर पाण की गल है जे गुरु की गल मन ली जाए। गुरु रामदास जी ने बड़ा खूबसूरत निर्णा किया, आख्या सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर उत्तम बानी, गावया सुनया तिनका हर थाए पावें, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। पूरन गुर पाए पुरब लिखाए, पुरब लिखाए पहले जन्म तो जिन्ह के कर्मों में लिखे, उन्होंने पूरे गुरु की गल समझ आ गई, उन्होंने पूरे गुरु की सिक्ख्या हिरदे वसा लिया। तो जिन्होंने पूरे गुरु की सिक्ख्या हिरदे वसा लिया सब निध दीन दयाला, वो जो दीना ते दया करन वाले उदे आउन नाल सारे खजाने नाल ही आ जाते, भाव उन्होंने सारिया बरकतां मिल जाती। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ नित, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्पुत। फिर उन्होंने अंदर ये निश्चा हो जाता है कि आद मध अंत प्रभ सोई। हुण आद दे ददे नूं सिहारी है, मध दे तदे नूं सिहारी है, अंत दे तदे नूं सिहारी, ये अर्थां वास्ते है, असीं बोल नहीं सकते। उन्हां नूं ये निश्चा हो जांदा है कि आद मध अंत प्रभ सोई। ओ वाहिगुरू आद पूरन मध पूरन अंत पूर्ण परमेश्वरा, सिमरंत संत सर्वत्र रमण, नानक अगनासन जगदीशुरा, पेखन सुनन सुनामनो, मन में दृढ़िए साच, पूर रहो सर्वत्र में, नानक हर रंगराज। आदि मध अंत प्रभ सोई, सुंदर गुरगो पाला, जो सब तो सोहना है, गुर वड्डा है और गोपाला सारी सृष्टि की पालना करने वाला। सुख सहज आनंद घनेरे, पतित पावन साधु धूरा। आख्या इस तरह गुरु की चरण धूड़ लैन नाल, गुरु के दसे राह ते चलन नाल, सुख सहज आनंद घनेरे। घनेरे का अर्थ है बहुत है, जिहड़े गिने ना जा सकन, जिहड़े तोले ना जा सकन, जिहड़े मिने ना जा सकन। सुख सहज आनंद घनेरे, पतित पावन साधु तूरा। गुरु की चरण तूड़ी जिहड़ी वो पतितां नूं पावन करन वाली है, और उहदे नाल जुड़न करके अनेकां सुख सहज अडोलता आनंद मिलता। हर मिले नारायण नानका, मान और तो पूरा। तो पातशाह कहते जेड़े इस मनुखा जीवन विच हर मिले नारायण नानक, नारायण नू मिल गए, उन्हां दे सब मनोरथ पूरे हो, उन्हां दी कोई इच्छा बाकी नहीं रही, क्योंकि मनुखा जीवन का उद्देश्य ही यह है। इसलिए गुरु रामदास जी फरमाते ने, जिनी ऐसा हर नाम न चेते हो, से काहे जग आए राम राजे। मानुख जन्म दुर्लभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। तो जिन्होंने मनुखा जीवन में परमात्मा नाल इतना प्यार हो गया, परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उन्हों का जीवन मनोरथ पूरा हो गया।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।